गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपा कॉर्नर ब्लॉग में, और मैं हूँ दीपा। तो बस बताइएगा कि इस लॉकडाउन में कैसे हैं, घर में रह रहे हैं, अपनों का ख्याल रख रहे हैं या नहीं। और मैं जो नहा धो के तैयार होकर आ गई हूँ, अभी तैयार नहीं हुई, नहा के बस आई हूँ। तो पहले नाश्ता बना लूँगी, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो नाश्ते में आज बना रही हूँ सिंघाड़े के आटा का हलवा। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, बना लेते हैं फटाफट से नाश्ता, उसके बाद बनाएंगे खाना। और अभी नहा के बस आई हूँ, जस्ट हेयर वॉश किए हैं आज, तो अभी गीले हैं, मतलब ऐसे पूरे सूखे नहीं हैं, आधे गीले हैं आधे सूखे हुए हैं, तो पीछे बांध लिया है वरना खाने में गिरते हैं इधर उधर। तो बस बना लेते हैं फटाफट से नाश्ता, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर जो है सिंघाड़े के आटा का मैं हलवा बना रही थी, तो उसको मैं थोड़ा सा घी डाल के अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब तक वो अच्छा रेड रेड सा कलर नहीं आ जाएगा तब तक भून लूँगी उसको। और उसके बाद उसमें गुड़ डाल के भी बना सकते हैं, बट अभी गर्मी होने लगी है तो मैंने गुड़ नहीं डाला है, चीनी ही डाली है, और चीनी डाल देने से स्वाद अच्छा आता है। तो बस देखिए मेरी वो है थोड़ी सी भुन गई है, और बस जो है आटा अच्छे तरीके से भुन जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जब, तब उसमें पानी डालेंगे तो मिल गया है। तो बस मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। आप लोग चाहें तो इस आटे को नीचे रखने के बाद पानी में घोल के दोबारा पका सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और इसमें मैंने चीनी डाली है, ये भी बना लेते हैं कई लोग, पर अभी गर्मी हो रही है इसलिए मैंने चीनी ही डाली हुई है। तो देखिए मेरा जो आटा है मैं पानी में मैश कर लूँगी उसको, उसके बाद डालूँगी शक्कर। तो शक्कर आप आटे के भुन जाने के बाद मैंने उसमें कर दी है चीनी ऐड, तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, बट मैंने तो चीनी ही डाली है। और थोड़ी सी सौंठ काली मिर्ची भी डाली है, अदरक ख़त्म हो गया था अभी सामान में है, अदरक भी डाल दें तो इसके सिंघाड़े के आटा के हलवा में बहुत ही टेस्ट आता है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसका। तो देखिए मेरी बन के तैयार हो गई है हलवा, तो आप लोग भी खा लीजिए। और बाकी के मेवे मसाले जो है मैं बाद में डालूँगी, अभी तो बस घी बस डाल दूँगी ऊपर से थोड़ा सा, और तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाती हैं। उसके बाद हम लोग खाना पीना हो जाने के बाद, नाश्ता वगैरह सब होने के बाद हम लोग कर रहे थे काम। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ पोछा, के बाद मम्मी धोती जा रही हैं साइड में, सब जगह से मैं पोछा लगाती जा रही हूँ। तो इस तरीके से सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। और सामने से जो है रेखा धो रही है बर्तन, और टुकू भी कुछ झाड़ू से करते जा रहा है। तो चलिए फिर अभी मेरा हो गया है सारा का सारा काम। देखिए कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, और देखिए मम्मी ने जो चना है वो फुलाए थे, तो बस उसकी बनी हुई दाल और बेसन वगैरह के लिए हो जाएगा वो। और हो गया मेरा सारा काम, मतलब नाश्ता वगैरह भी हो गया है, झाड़ू पोछा भी जो कुछ होना था सब कुछ हो गया है। तो बस अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, अभी कोई नहीं है घर में इसलिए मैं ऐसी बैठी हुई हूँ। तो मिसकास फैमिली वाली है जो मेघा जी, तो उनको कुछ लोग कुछ मतलब बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनके पति को लेके, उनकी बेटी को लेके। तो ऐसी क्या बात है भाई, मत करो ऐसा, क्यों करते हो? आपके पति ने आपको छोड़ दिया या कुछ भी है, तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरे के पति को या वो करो, अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। तो इस तरीके से आप किसी को भी कमेंट मत कीजिए, आपको अच्छा ही लगता है आप मत देखिए उनका वीडियो, वो ज़बरदस्ती तो नहीं बोलती हैं। तो बस फिर इतना ही बोलना है, किसी के बच्चे किसी के पति के ख़िलाफ़ ऐसे शब्द मत बोलिए जो किसी को दुख दे दर्द हो, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है मुझे। अच्छी हैं वो, बहुत ही अच्छी हैं, मैं जानती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से उनके वीडियो देख रही हूँ, और वो मेरे ही यहाँ की हैं, खजुराहो की, मेरे ही पास की हैं। तो बस बहुत ही अच्छी हैं। चलिए फिर इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है बेल आइकन के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।